रॉबिन। अरे ये क्या कर दिया, ये रॉबिन के बच्चे ने बाल्टी बैग के आगे क्यों नहीं रखी। ये रॉबिन का बच्चा बिल्कुल आलसी हो गया, कुछ भी काम ठीक तरह से करता नहीं है। जल्दी करो स्वर्णी दासी, आपकी चीखने की आवाज बाहर तक जानी चाहिए। कैसे हो? कैसे हो? जल्दी तो बैठो। तुम्हें इतने दिनों के बाद मिल रही हूँ, ऐसा लग रहा है हाइट बढ़ गई तुम्हारी। हाँ हाइट तो बढ़ चुकी है, मेरे रूम में जो पैंट है ना उससे मैं काफी बड़ा हूँ। अरे वाह वेरी गुड। कियारा आइसक्रीम खाने से आपका गला खराब होता है ना? मम्मा मैं ना दादी को यही बोल लेती लेकिन दादी ने सुना ही नहीं। अब कोई इतनी प्यार से देता है तो उसे मना नहीं करते ना। ये लड़की कितना झूमने लग जाती है जब ये आइसक्रीम खाती है। अब यही कहने वाला था ना, बड़ी शैतान बच्ची है। मेरी मम्मा भी मुझे शैतान बुलाती है। तुमसे पूछना कि वो तुम्हें हैंडल कैसे करती, कि हमारी शैतान तो हमसे हैंडल नहीं होती। मुझे तो मेरे चक से हैंडल करते हैं, वो दुनिया के सारे बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा बच्चे बहुत पसंद है ना तुम्हारे चक्स को। कौन से पुलिस स्टेशन में है वो? क्या प्रज्ञा? अरे जी हाँ, यहाँ बच्चों के साथ। हेलो डैडा। हेलो अंकल। हेलो किड्स। क्या हुआ? तुम अच्छी लग रही हो। आज सूरज किसी दूसरी तरफ से निकला है। पहली बार किंग ने तारीफ करी है तुम्हारी, ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई है ना। What's the big deal? अच्छी लग रही हो तो कह दिया। नहीं ये बहुत बड़ी बात है, मैंने आपको मम्मा की तारीफ पहली बार करते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी पापा तो हमेशा एक दूसरे की तारीफ करते हैं। सुबह उन दोनों को सनी, मम्मी पापा की बातें सबके सामने नहीं बोलते। गले लगते हुए देखा होगा, मैरिड कपल है, व्हाट्स द बिग डील? हाँ जो भी, वैसे भी हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। और तुम लोग दादी को परेशान मत करना, चलते। बाय मामा। बाय। दादी की आरा भी ना हमेशा नानी माँ के नुस्खे बताती रहती है। मेरा पैर पानी में जल गया, गर्म पानी में। क्या हुआ दासी? मेरा पैर जल गया। मुझे लगा ये तुम दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन ये दरवाजे के पीछे क्यों छुपेगी? मिताली जा जा जल्दी से दवाई लेके जा, लाइए मुझे दिखाई। अरे लाइए दिखाई, हाथ मत लगा, तू दर्द बढ़ाती है। ये मिताली अपन दवा लेके क्यों नहीं आई? मैं दवा लेके आ रही हूँ। मिताली कितनी देर लगाती है दवा लाने में भी। दासी, आपकी तो अभी इतनी उम्र हो गई है, उस हिसाब से आप में इतनी अकल तो होगी कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप समझ जाएं। दासी क्या है ना, प्यार की पहली गलती माफ होती है पर आखिरी गलती पे सजा मिलती है, और वो सजा किसी न किसी को तो भुगतनी पड़ेगी ना। अरे वाह हाँ, जल्दी समझ गई आप। तो आज के बाद आपको कोई भी बात करनी हो, कुछ भी बोलना हो, आप मुझे कहें, अभी से नहीं, क्योंकि आप तो जानती हैं कि वो कितना बिजी रहता है ना। आई होप आप समझ रही हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हर चीज में तेरी देरी होती है। ये लो दवाई, बहुत तकलीफ में, लगा दीजिए। माँ अपना ध्यान रखिएगा, और जो मैंने कहा उस बात पे गौर कीजिएगा दासी। कौन सी बात? यही कि तकलीफ कैसे कम की जाए। तनु अपनी लिमिट कुछ ज्यादा ही क्रॉस कर रही है। तनु
हे आलिया, सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं पहले। पर मैंने सब कुछ देखा, वो सब कुछ जो तुमने किया। वेल, तुम मुझे पहले मिलती तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देती। हमारे बीच में कोई सीक्रेट थोड़ी है। सीक्रेट नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, फैमिली का फर्क। तुम अपनी जेलेसी के लिए मेरी फैमिली को क्यों हर्ट कर रही? पर उन्होंने मुझे कितना हर्ट किया ये तुम्हें नहीं दिखाई दिया। क्यों ना तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तुमने भी तो अपनी फैमिली के साथ कभी ना कभी तो ये किया ही है ना। फिर बर्तनो, तुम्हारे इस स्टुपिड क्वेश्चन का जवाब मैं बाद में दूंगी। पार्टी खत्म होने दो, उसके बाद में इसे सेटल करते। बाद में क्यों आलिया, पार्टी में अभी बहुत टाइम है, इसे अभी खत्म करते। ऑलराइट देन, लेट्स गेट डन विद दिस। तुम्हें मेरे भाई के दिल में आने के लिए या इस घर में आने के लिए जो करना है करो, लेकिन मेरी फैमिली को कभी हर्ट मत करना था। गलती से भी तुमने किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम्हारी शादी मेरे भाई से हुई है तो ये फैमिली भी तुम्हारी फैमिली होती। अरे कुछ और नहीं तो फकौत से उम्र का लिहाज कर लिया करो। तासी की उम्र देखी, उनका पैर जला दिया। हे भगवान, क्या जमाना आ गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, ये तो वही बात हो गई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अब तो लोग अपने घर में भी सेफ नहीं है। पहले तो बहुएं अपने सास ससुर से डर कर रहती थी, पर अब तो सबको बहुओं से डर कर रहना पड़ता है। ताई जी, हम किसी और की बात कर रहे थे, क्यों तनु? राइट, हम कुछ और ही बात कर रहे थे। अब ये सब छोड़ो और ये देखो, एक बहू ने बंटवारा करने के लिए अपने घर की सास को घर से बाहर निकाल दिया। अब बुजुर्गों को अगर अपने घर में जगह नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएंगे? आप तो अपने घर में है ना? हाँ, मैं तो हूँ। तो फिर खुश रहिए और पार्टी के लिए जाके रेडी हो जाइए। हाँ हाँ, मुझे पता है। मेरी बात याद रखना, समझी? मैंने कभी अपनी पेरेंट्स की नहीं सुनी तो तुम्हारी क्या सुनूंगी आलिया? प्रज्ञा के मैटर में अगर तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए होती ना तो तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर में तुम्हारी औकात दिखा देती। यार, एक कपड़े सिलेक्ट करना ना किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं है। क्या पहनूं? ये नहीं चला कब तुम। मैंने नहीं किया, पता नहीं कहां से अपने आप आकर बेड पर गिर गए। अपने आप? हाँ। पार्टी के लिए कपड़े डिसाइड कर रहे थे। हाँ। आप अब भी कपड़े नहीं डिसाइड कर पाते। अभी पूरब और आपका रिश्ता वैसा ही है, रिश्तों को गले से लगा कर रखा। देखकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा ये सुनकर। आजकल तो सिर्फ यही सुन रहा हूं कि मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते। आपके परिवार को देखकर कोई भी कह सकता है कि आपने रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाया है। बस हमारा रिश्ता पीछे रह गया। कितनी सारी गलतियां हो गई ना, कभी आपसे कभी मुझसे, भरोसा ही नहीं रहा। भरोसे की जगह शिकायतों ने ले ली। मैं भी क्या बातें कर रही हूं, एक मिनट। ये पहन लीजिए, सिंपल है ना, बहुत अच्छा लगेगा आप पे।
पर हमेशा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा, तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। क्या कर रहे हैं आप, मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। मुझे तुम्हारा हाथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। अच्छा तो लेट हो गए हैं, लेट होना खत्म होने से अच्छा होता है ना। पता है दादी, दादी हमेशा हमें साथ देखना चाहती थी। जब जब हम किसी भी वजह से एक दूसरे से दूर गए, दादी ने हमें साथ लेकर आए। दादी की एक लौती खुशी हम थे। दादी भी हमेशा हमें एक साथ देखना चाहती थी। दादी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं ना कि किसी के चले जाने के बाद भी उनकी इच्छा नहीं जाती। शायद उनकी मर्जी है जो हम बार बार इस तरह मिल रहे हैं। पता है ना स्वर्णी दासी क्या कहती कि प्यार की पहली शर्त होती है माफी। वो मुझसे कह रही थी कि प्रज्ञा ने कितनी बार कितनी जगह मुझे माफ किए, इसी तरह मुझे भी तुम्हें माफ कर देना चाहिए और तुमसे यह कहना बंद करना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार किया करता था, क्योंकि सच तो यह है कि मैं नहीं। तुम 5 मिनट रुको, मैं आता हूं। तुम नीचे जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, बिजी हूं मैं। अभी क्या बिजी हो? ओ, कपड़े सिलेक्ट कर रहे थे। सी आई नो, मुझे लगा ही था कि तुम थोड़े से कंफ्यूज होगे, इसलिए मैं बाहर से जा रही थी तो सोचा देख लूं कि तुम तैयार हुए या नहीं, और अगर नहीं हुए तो मैं हेल्प कर देती। हाँ। मैं ये पहन रहा हूं। तुम मजाक कर रहे हो? आई मीन ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। सी आई नो ये तुम्हारे ही कपड़े, तुम पहले कभी पहना करते थे, बट अब यू नो यू शुड वेयर समथिंग फैशनेबल, समथिंग मैं बताती हूँ। ये तुम्हारा स्टाइल अभी, द रॉकस्टार स्टाइल अभी। आई थिंक तुम्हें ऐसे ही कुछ पहनना चाहिए या यही पहनना चाहिए। पता है ये पहनोगे ना तो और भी ज्यादा हैंडसम लगोगे और सब कहेंगे कि मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा, एनिवर्सरी पूरब और दिशा की या तुम्हारी। सी यू, जल्दी आना। You carry on, I'll join you later. Please. पता है मुझे आपकी ड्रेस इतनी पसंद आई है ना, ये कहाँ से ली आपने? डिजाइनर से। डिजाइनर से? लेकिन डिजाइनर ने कहाँ से ली? अरे मजाक कर रही थी आप भी ना। राज आपकी बहुत तारीफ करता है, कहता है आपके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। ओ शर्मा जी आए, मैं जरा उनको वेलकम करके आता हूँ। I'll join you. अरे शर्मा जी वेलकम वेलकम, आइए आइए। नमस्ते जी, आइए प्लीज कम, अच्छा होगा आप आ गए। आइए आइए आइए। मिताली तब तुझसे कहा था ना तूने रोक वो, पर मैं। अरे दीदी आप नीचे क्यों आ गए, क्या दर्द नहीं हो रहा पैर में? दर्द तो हो रहा है। दर्द हो रहा तो कमरे में चलिए ना, इस तरह से घूमोगी तो दर्द तो होगा ही ना। दिशा और पूरा की एनिवर्सरी है ना, अगर उनकी खुशियों में शामिल नहीं होंगे तो उनको बुरा लगेगा ना। दीदी वो अगर आपको इस हाल में देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप कमरे में चल के बैठिए, जब केक सेरेमनी होगी तो मैं आपको बुला लूंगी।
पक्का बुला लोगे? हाँ हाँ पक्का बुला लूंगी। चलिए मैं आपको कमरे में छोड़ देती हूँ। मिस्टर रॉय आप क्या कह रहे थे, वो आपको कुछ बात करनी थी? यस यस विक सर, आपसे कुछ बात करना चाहते थे और किसी ऐड के सिलसिले में। ही थिंक्स अभिषेक सर विल बी अ गुड चॉइस। मैं पार्टी के बाद भाई से बात कर लूंगी। ओके मैम, अभी कर लेते तो बेटर होता। एक्चुअली ऐड का शूट इसी वीक में है। ओह इज इट? देयर ही इज। Happy anniversary. Happy anniversary to you too. Happy anniversary. Thank you, Mari Chan. Thank you so much, Jiju. Mr. Abhi. Hey, main bill kar raha hai. Dasi? Udhar kise dekh rahe hain? Kuch nahi Mitali. Didi aur main asal mein aaj yahi baatein kar rahe the. भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, इतना बड़ा परिवार। देखो तो सही, आज हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए कितने लोग आए, फिर भी एक कमी है जिसके बगैर मुझे सारी खुशियां फीकी लगती है। काश वो भी आ जाए तो इस घर के चौखट एक बार फिर पावन हो जाए। आप प्रज्ञा को मिस कर रहे हो ना? हाँ बेटा, काश कि वो यहाँ आ जाती। दासी, आज आपने गॉड जी से कुछ और भी मांगा होता ना तो उन्होंने उन्होंने वो आपको दे दिया होता। क्या मतलब? उधर देखिए, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर एनिवर्सरी। थैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर coming. Thank you for inviting. बहुत ही शानदार डेकोर है आपके पार्टी का। Very nice. Hi sir. Roy भी आया है। I'll just go say hi. Coming? नहीं आप चाहिए मैं आती हूँ। Okay. Enjoy the party. Happy anniversary. प्रज्ञा, दासी ना तुम्हें याद कर रही थी और अचानक मैंने तुम्हें देखा। आज दासी कुछ और भी मांगती ना तो उन्हें मिल जाता। सबको बताया चल के? हाँ, मैं सब घर वालों को बता के आती हूँ। आ गई है? अभी आ रही बेटा। मैं चलिए चलिए आगे। प्रज्ञा, यकीन ही नहीं हो रहा कि सबसे ऐसे एक साथ मिल रही। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको इतने सालों बाद घर पर देखकर इतना अच्छा लग रहा है ना सबके बीच। थैंक यू फॉर कमिंग। अरे तो तुम्हारा बेटा कहाँ है? उससे तो मिलना था। थी वो अपने दोस्तों के साथ है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मिलवा देना बाद में। क्यों नहीं थी, आपको तो हक बनता है। आप तो उसकी मासी हैं और बुआ भी। और चाची भी। तुम लोगों को ऐसे देख कर इतनी खुशी हो रही है, पता है कि तुम लोग अभी भी वैसे ही हो, ऐसे ही सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली मनाओ अपनी एनिवर्सरी की। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। आप ही की वजह से तो खुश है दी, आप ही ने तो हमारी जोड़ी बनाई है दी, आप ही की वजह से हमारी शादी हुई और इतने साल से हम एक साथ हैं।
जोड़ी चाहे किसी ने भी बनाई, उसे निभाना तो तुम दोनों का काम है। तुम दोनों ने बहुत अच्छे से निभाया। हमेशा ऐसे एक साथ रहो और हर बुरी नजर से दूर रहो। हाय प्रज्ञा। It's so good to see you. बहुत अच्छा लगा कि तुम पार्टी में आए। Hi, Puru. Hi. शादी की सालगिरह मुबारक। Thank you. तुम लोग सबसे मिलो, मैं बाद में आती हूँ। दी, आप कहीं जाना मत प्लीज, मुझे बहुत बातें करनी है आपसे। हाँ पापा, कहीं नहीं जाओ। अरे प्रज्ञा, प्रज्ञा मैं तुम्हें एक बात तो बोलना ही भूल गई। आई मीन बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ एक सेकेंड ना, इस बार अगर भगवान भी चाहेंगे ना तब भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी भगवान को साक्षी मानकर कानूनी तौर पर मैंने अभी को अपना बनाया है। देखो ये तो सच है कि तुम जहां मेरे पति को पाने आई हो, खुश करके बताओ कि अब तुम्हारे दिल में अभी के लिए कोई जगह नहीं है।